सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूराना व्लॉग्स। माय नेम इज़ नूराना। आज मैं आप लोगों के साथ वेट लॉस की जर्नी लेके आई हूँ, ठीक है, जो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। मैक्सिमम वन मंथ हो गया, ठीक है, मुझे इसको अप्लाई करते हुए, और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मेरा वेट ऐसे था कि मैं कुछ भी कर लेती थी, मुझे लगता था मेरा वज़न नहीं कम हो सकता। मैंने कुछ दिन डाइट करनी, उसके बाद मैंने छोड़ देनी, ठीक है। मेरा वज़न ना स्टक हो गया था, लेकिन मैंने अब अपनी पूरी रूटीन बनाई है पूरे दिन की, कि क्या क्या खाना है, और मैं सिर्फ वही खाती हूँ। और भी मैं टेस्ट कर लेती हूँ जो घर पे बना हो, लेकिन ये है कि बहुत कम पोर्शन में, ठीक है। तो चले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ, फ्रेश होने के बाद 8:30 के करीब मैं ये न्यूट्रास्यूटिकल पीती हूँ, ठीक है। इसको पीने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये डाइजेशन में बहुत मुफीद है, इससे हमारी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है, ग्लो आ जाती है स्किन पे। ये हेयर के लिए काफ़ी अच्छा है, हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं: 1 टेबल स्पून ज़ीरा, उसके बाद 1/2 लेमन, 2 जिंजर के पीस, 1 टीस्पून हनी एंड 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने कर लेना है बॉईल, और लास्ट में हमने हनी ऐड कर देना है। 1 मंथ हो गया मुझे इसको यूज़ करते हुए, और मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है इसका, ठीक है। मेरा काफ़ी केजीज जो है वो लूज़ हुए हैं। बता देती हूँ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा जो इसको ट्राई करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो एक टोन में आ जाए, ठीक है, वो ज़रा पतले लगना शुरू हो जाए। तो मैं आपको पूरे दिन की बताऊंगी कि मैं क्या क्या खाती हूँ दिन में। तो चलें, सबसे पहले सुबह उठने के बाद मैं ये पीती हूँ न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है। 1 कप मैं इसका पी के उसके बाद 2 ग्लास में गर्म पानी के दोबारा पीती हूँ आधे घंटे के बाद, ठीक है। 10 बजे तक मैं ये सब कुछ करती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। तो चलें पहले मैं आपको ये बनाना सिखाती हूँ। पानी डाल लिया, ठीक है, ये मैंने 1.5 कप डालना है, ठीक है, क्योंकि जो आधा होगा वो तो जो है बॉईल हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, 1 कप, तो मैं आधा और डालती हूँ। उसके बाद मैं ज़ीरा और जिंजर को ऐड कर दूँगी, ठीक है, और जो हमारा हनी और लेमन है वो लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे। चलें, इसको 4 से 5 मिनट हमने बॉईल करना है, ताकि जो हमने 1.5 कप पानी डाला है तो ये 1 कप रह जाए। अब इसकी हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं इसको पकाना। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको कप में हम स्ट्रेन कर लेते हैं। ये देखिए, आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना प्यारा सा इसका कलर आ चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं 1/2 लेमन स्क्वीज कर लेती हूँ। उसके बाद 1 टेबल स्पून ऑफ हनी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसको ज़्यादा भर के नहीं डालना, बस इतनी क्वांटिटी, ठीक है, और इसको आपने पी लेना। मिक्स हो गया, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन सच में इसका टेस्ट भी अच्छा है, और ये आपने इसको चाय की तरह पीना है, गरम गरम, ऐसे नहीं करना कि जब ठंडा हो जाएगा फिर पी लें, गरम गरम पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चलें, इसको पीने के बाद मैं ब्रेकफास्ट की तरफ चलती हूँ, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ब्रेकफास्ट के लिए हमें क्या चाहिए। ग्यारह बज चुके हैं, ठीक है, तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी रेडी। हमें ब्रेकफास्ट के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें तो आपके घर में अवेलेबल होती हैं, ठीक है, अलसी भी होती होगी अवेलेबल, आई होप, ठीक है, बस ये आपने लेना है, ठीक है। ये मेरे पास भी नहीं था पहले, मैंने भी इसको परचेज़ किया है, ठीक है। एक क्वेकर का है ओट मील, ये 750 का आ गया है पूरा बॉक्स, ठीक है।
इसमें आई थिंक 400 ग्राम्स हैं। हाँ 400 ग्राम्स हैं। ठीक है, ये देखें, ये है जौ का दलिया। आपने देखा होगा जो इंडिया की होती हैं डाइटिशियन वगैरह, वो इसी को रेकमेंड करती हैं ज़्यादा। उनकी हर चीज़ वो इसी से, शेक भी इससे बना लेती हैं, वो पराठा भी इससे बना लेती हैं, और कई कुछ वो इसी से बनाती हैं। ठीक है, और मैंने भी इसी से ही अपना 1 मंथ में जो है अपना वज़न कम किया है। ठीक है, इसी को यूज़ करके। तो चलें, ये काफ़ी देर चल जाएगा। ठीक है, तो ये अब मैं इसको बनाने का आपको तरीका बताती हूँ। तो चलें, 2 मैंने टेबल स्पून ये ले लेना है। ठीक है, चम्मच हमने ओटमील ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद 1 टेबल स्पून हमने अलसी का ले लेना है। उसके बाद छोटा सा, एक छोटे साइज का था अनियन, इसको मैंने चॉप कर लिया। उसके बाद कैप्सिकम लिए मैंने। ठीक है, ये मैंने काट के फ्रीज कर लिया, और रोज मैं इसमें डाल लेती हूँ। उसके बाद ये टमाटो लिया मैंने, हाफ टमाटो। उसके बाद ये 2 ग्रीन चिली है, 2 टेबल स्पून मैंने ये लिया है बेसन। उसके बाद जो जो आपको चीज़ें पसंद हैं, आप जो भी स्पाइसेस डालना चाहते हैं, मैंने इसमें सारे स्पाइसेस डाले हैं। ठीक है, ये सूखा धनिया डाला है। उसके बाद जीरा, उसके बाद ये हल्दी, उसके बाद ये गरम मसाला, ये नमक, ठीक है, ये चिली फ्लेक्स, और ये काली मिर्चें। ठीक है, टोटल मैंने 7 मसाले इसके अंदर डाले हैं। आप चाहें तो सिर्फ नमक, मिर्च और जीरा डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रा इससे होता है कि टेस्ट अच्छा हो जाता है इसका। तो चलें, ये चीज़ें जो हैं हमें चाहिए इसके लिए। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लेना है। दो चम्मच ओटमील के ले लेना, ये देखें, बार बार, ये छोटा चम्मच है इसलिए मैं ये 3 डाल लूंगी। ये देखें, ये टेबल स्पून होगा तो ये 2 टेबल स्पून बनेगा। चलें, अब इसके अंदर मैं ये अलसी डाल देती हूँ। अलसी के भी बहुत से फायदे हैं। चैनल पे मैंने अपने चैनल पे एक रेमेडी भी बनाई थी हेयर ग्रोथ के लिए। ठीक है, केराटिन ट्रीटमेंट, उस पे मैंने अलसी यूज की थी, आप लोग वो देख सकते हैं वीडियो। उसके बाद ये बेसन के हमने 2 चम्मच डाल देने। हरी मिर्च, प्याज, जितने इसके अंदर वेजिटेबल्स जा रहे हैं ना, टेस्टी तो इसने खुद ही बनना है। डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं तो वो भी पर मंथ 9,000 से लेके 15,000 तक लेती है। ठीक है, तो हमें इतने पैसे जाया करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमें पता है कि हम क्या खा के पतले हो सकते हैं। तो बस ये एक आपने चीज लेनी है 750 की है। ठीक है, ये बस आपने परचेज कर लेनी है, और ये मुझे लगता है कि 1 मंथ आपका निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा तो हो जाता है पूरा, लास्ट में जाके हो जाता है खत्म, लेकिन 1 मंथ हो जाता है। उसके बाद ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी पहले ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, बस इससे ज्यादा पतला नहीं करना इसको आपने। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, इसको आपने नॉन स्टिक पैन में बनाना है।
अगर आप दूसरे पैन में बनाएंगे ना तो ये चिपक जाना है सारा। मैंने भी ट्राई किया था, इसलिए मैं नॉनस्टिक में बनाती हूँ। उसमें ये होता है कि ऑयल भी कम यूज़ होता है, क्योंकि हमें ऑयल भी कम ही खाना है, तो नॉनस्टिक में सही बन जाएगा। तो चलें इसको अब प्रिपेयर करते हैं, इसको पैन में डालते हैं। में तो आपको घंटे दो घंटे बाद भूख लग जाएगी, ठीक है। लेकिन ये इतना फुल फिलिंग है ना, इतना ये हैवी है कि आपको, अब जैसे मैंने 11 बजे ये ब्रेकफास्ट 11:15 तक करने लगी हूँ, ठीक है, तो मुझे जो भूख है वो लगेगी 3 बजे। 3 बजे मुझे फील होगा कि मुझे अब भूख लग रही है, ठीक है। ये खाने के बाद मैं आधे घंटे बाद लूँगी 1 कप ऑफ ग्रीन टी का। आधे घंटे बाद मील के साथ कभी भी ग्रीन टी नहीं लेते, आधे घंटे बाद मैंने लेनी ग्रीन टी। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे मैं अपना सैलड बनाऊँगी, वेजिटेबल सैलड, ठीक है। उसके अंदर आप चने डाल सकते हैं या आप रेड बीन डाल सकते हैं और बाकी जितनी भी सब्जियां आपके पास। तो चलें पैन में हम ऑयल डाल देंगे, ये 2 टीस्पून है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आपने डाला। इसको ना आपने लो फ्लेम पे बनाना है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए, मैक्सिमम 5 मिनट में ही बन जाता है। चलें जी, अब ये सारा जो मिक्सचर है इसको हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे इतनी चीज़ें डाली हैं आपके घर में ये अवेलेबल होंगी, अगर तो फ्लैक्स सीड नहीं है तो आप ना डालें, लेकिन मैं बता दूं फ्लैक्स सीड से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं पता क्या करती हूँ, मैं जब रोटी खाती हूँ तो मैं उसमें, मैंने इसका पाउडर पीस के रखा है फ्लैक्स सीड का, मैं वो उसके अंदर ऐड कर देती हूँ और रोटी खा लेती हूँ। चलें इसको अच्छी तरह से हमने पतली सी लेयर बना देनी, उतला देनी, गोल सी बना लें। बाप कहेंगे ये सूखी खानी है, हाँ जी, आपने सिर्फ इसके साथ दही का इस्तेमाल करना है, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा दही, थोड़ी सी केचप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इसको ना कर्ड के साथ ही यूज़ करती हूँ ताकि अच्छे रिजल्ट के लिए, ठीक है। अब इसको 2 से 2.5 मिनट तक एक साइड पकने देंगे, उसके बाद मैं इसको दूसरी साइड पकाऊंगी, ठीक है। ये 2 से 3 मिनट के बाद इसकी एक साइड होगी होगी, ठीक है। मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ, इसको फिर हल्का सा प्रेस कर देंगे, बिल्कुल मुझे और ऑयल की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसकी ये वाली साइड भी हो जाए, फिर इसको खाते हैं। चलें जी, इसकी दूसरी साइड भी पक चुकी होगी अच्छे से, ये देखें क्रिस्पी सा ये हो गया। चलें फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ, इसको अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारा ओट चीला, इसको आप ओट पराठा भी कह सकते हैं, ठीक है, वेजी पराठा भी कह सकते हैं। ये हो चुका है रेडी, इसके अब छोटा सा एक मैं स्लाइस करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आपने रोटी की तरह पकड़ के कर्ड में डिप करना है, ठीक है, और ऐसे बाइट लेनी है। बहुत टेस्टी बना है, सच्ची कह रही हूँ, टेस्टी बना है, तो मैं खाती हूँ रोज। तो आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। टेस्ट से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है कि आपका वज़न कम होता है या नहीं, ठीक है। तो चलें अब मैं 11:30 का टाइम हो गया, ठीक है, अब मैं इसको खाती हूँ। इसको खाने के बाद मैं 3 साढ़े 3 बजे अपना वेजिटेबल सैलड बनाऊंगी, उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आधे घंटे बाद अब मैं ग्रीन टी लूँगी, ठीक है, ग्रीन टी का कप ये देखें। चलें इसको माइक्रोवेव करती हूँ।
चलें इसको अब मैं पी लेती हूँ, ठीक है। अब इसके घंटे बाद मैं फालसे का जूस पीऊँगी, ठीक है। और फिर 3 साढ़े 3 बजे हम सैलड अपना तैयार करेंगे। चलें जी, अब मैंने 2 घंटे बाद मैंने अब ये फालसे का अपना जूस रेडी कर लिया 1 ग्लास, ठीक है। मैं इसको लूँगी, उसके बाद हम खाएंगे सैलड। आप कोई भी सीजनल फ्रूट लेके उसका जूस बना सकते हैं। चलें जी, अब टाइम हो गया है 3 o'clock, ठीक है। अब हम अपना लेंगे सैलड। ये भी मैंने हाफ लिया है, ये भी हाफ लिया है, ये छोटे साइज का एक अनियन, ठीक है। और ये मैंने चने ले लिए हैं, ठीक है, बॉइल्ड हुए हैं। इसकी जगह आप रेड बीन्स भी ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मकई भी ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। खीरा, टमाटर, प्याज और चने, ठीक है। उसके अंदर हमने ये एक ऐड करनी है चीज़, ठीक है। ये देखें, एप्पल साइडर विनेगर। तो चलें इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। अभी मुझे बिल्कुल मतलब कि 50% भूख लगी है, इसलिए मैंने ये नहीं डालना, ठीक है। बस मैं इन 3 चीज़ों का सैलड बनाऊंगी और ये खाऊंगी। ये फुल ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। बहुत अच्छा सैलड बनेगा, आपको एनर्जी मिलेगी इससे। ये देखिए, इसके अंदर ये ऐड करते हैं, टमाटो, उसके बाद अनियन, उसके बाद ये देखें सिर्फ इतना सा 1 टेबल स्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना, क्योंकि वो खट्टा हो जाएगा, फिर खाया नहीं जाना। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, 3 o'clock हमने ये अपना सैलड ले लेना, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना, सिर्फ 5 बजे मैं नट्स खाऊंगी, वो मैं आपको दिखा दूंगी। हाँ, आपने ये ज़रूर खाना है, ठीक है। घर में जौन सी भी सब्जियां जो आप खा सकते हैं, इसके अंदर बंद गोभी आप ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम, मेरे पास सारा कुछ अवेलेबल है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझे इतनी भूख ही नहीं लगी, इसीलिए मैं बस ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये डाल रही हूँ, ठीक है। तो चलें, अब 5 बजे हम अपना स्नैक खाएंगे, उसके बाद करेंगे डिनर, तो उसके बाद हमारी वीडियो हो जाएगी एंड। तो आई होप कि आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। टाइम हो चुका है 6:15, 6:15 बजे मैंने ये भुजे हुए चने ले लिए, ठीक है। ये जितने एक मुट्ठी में आते हैं ना, उतने ले लेने। उसके बाद मैंने 10 बादाम ले लिए और 1 खजूर ले लिए, ठीक है। और अब इनको हमने खा लेना है। उसके बाद जो हमने डिनर करना है, वो हमने मैक्सिमम 7:45 से लेके 8 बजे तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं आपने खाना। उसके बाद अगर आप गर्म पानी का 1 ग्लास पीना चाहते हैं वो पी लें, या आप ग्रीन टी का पीना चाहते हैं वो पी लें, ठीक है। तो चलें, ये मेरी होगी स्नैक शाम का। तो चलें, अगर तो आप चाय पीना चाहते हैं ना, अगर कुछ लोग होते हैं वो चाय पीना पसंद करते हैं, ठीक है। तो चाय आपने ऐसी बनानी है, दूध पत्ती नहीं आपने बनानी है। आपने बिल्कुल 1/4 कप आपने दूध लेना है, बाकी सारा पानी, ठीक है। उसमें आपने शुगर नहीं डालनी, विदाउट शुगर आपने चाय पीनी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी फालसे का जूस पिया था, मैंने उसमें भी शुगर ऐड नहीं की। मैं सारा दिन में किसी चीज़ में शुगर नहीं लेती, मुझे वैसे भी बहुत कम पसंद है। तो चलें ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं डिनर की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मैंने जो अलसी का है 1 चम्मच, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया, ठीक है। ये 1 चम्मच भर के हमने ले लेना है। ये देखें सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा नहीं हमने लेना है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक हो गया। उसके बाद ही हमने मीडियम साइज का एक पेड़ा ले लिया, ठीक है। अब इसको हम पहले एक दफ़ा रोटी बना के उसके अंदर ये अलसी का पाउडर लगा लेंगे। इतनी सी रोटी बना के अब इसके अंदर हम ये जो पाउडर है इसको लगा लेंगे।
सा सूखा आटा लगा लेंगे, फिर इसको रोल रोल करके पराठे की तरह, ताकि जो अलसी का पाउडर है इसकी हर लेयर में लग जाए। स्मॉल साइज की आपने बनानी है, ज्यादा बड़ी रोटी नहीं खानी। ये इसके अंदर इसलिए ऐड करते हैं कि जो उनसे अगर हमने सालन बना होता है वो दिल करता फिर खाने को, ठीक है। अब ये रोटी को हम पैन में डालते हैं और मैं रोटी बना लूंगी। अच्छा जी, अब जो आखिरी बात वो ये है कि घर में जो सा भी सालन बनाओगा आपने, वो छोटी प्याली, ठीक है, इतनी जो होती छोटी, वो लेनी है सालन की, उसको लेके इस रोटी के साथ आपने खा लेना, साथ आपने सैलड ले लेना थोड़ा सा, ये आपका रोज़ का डिनर होगा, ठीक है। मैंने न्यूट्रास्यूटिकल भी बता दिए आपको, ब्रेकफास्ट भी, ठीक है, लंच भी, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो चलें अब मैं इस रोटी को पका लूँगी, फिर इसको खा लूँगी। तो अभी 8 बजे का टाइम होने वाला है, ठीक है। तो चलें, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं गारंटी से आपको कह सकती हूँ कि आप लोगों को इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या खाने लगी और कितने पोर्शन में खाने लगी है देखें। हाफ टमाटर लिया मैंने, हाफ मैंने क्यूकम्बर ले लिया, ये आज केले बने थे, साथ मैंने ये लस्सी ले ली और ये मेरी जो रोटी अलसी वाली, ठीक है। अब आ गई आप लोगों को समझ के कितना खाना है। आप इस रोटी का साइज़ थोड़ा कम भी कर सकते हो, मुझे लगता है मेरे साथ बड़ी बन गई है ये, बिल्कुल छोटी होती है इससे भी। चलें जी, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। Thank you.